आवाज भी कर लो। नहीं भाई बुरी चमाट पड़ेगा तो सही हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये फोटोज दिखाना चाहता हूँ। पहले सारे फोटोज है और इनका अकाउंट है आई परिनास करके, आप जाके देख सकते हो उनके अकाउंट में कि कैसी फोटो मैनेजर के साथ में चिपक के डालते हैं। होल्ड होल्ड ठीक है। और किसी से हेल्प मांगते हैं हम लोग तो उस पर इल्जाम लगाते कि पैसा लेके बिक गया। ठीक है लाइट बंद करो। ये है एक और एक प्रूफ बताता हूँ जो अच्छा है। तो आपका बोलने का मतलब क्या है, मतलब खुल के बताइए इनको ताकि नहीं बताओ बताओ भाई, हम नहीं बताएंगे तो वापस से उधर से एंगल चलेगा कि फंसा रहे ये बोलते पैसे लेके कर रहे हैं ना। हाँ वो सब बताने का इनके सामने यही अभी इनका कानून चलता है। बहुत साल हो गए ना सब समझ गया हूँ मैं। नहीं आप कौन है वो बताइए और क्या हुआ पहले वो बताइए। मनोज पाटिल से आपका क्या संबंध है? सबसे पहले तो मैं एक साल पहले मिल चुका हूँ उनसे और मैंने उनको कॉल भी किया था कि मुझे पता चला कि उनके पास मेरी जो वाइफ है काम करने के लिए गई और हम लोग का झगड़ा चल रहा था, बट हमारा डिवोर्स अब तक हुआ नहीं है फाइनली, पूरा कुछ भी नहीं हुआ है और मैंने कोर्ट में ये सब चीज़ों को केस किया हूँ। तो मुझे पता चला क्योंकि मुझे बंदे के बारे में बहुत पहले से पता है कि ये लड़की बाज है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं किसी से ना कोई मुझे कोई भाई लड़की बाज होना कोई बुरी बात नहीं है मैं बता दे रहा हूँ सर। लड़की बाज होना और जो इंटेंशन जाता है लड़की को देख के, मैंने खुद देख चुका हूँ क्योंकि मैं खुद कंपटीशन खेल चुका हूँ उनके साथ में, और तो मैं देख चुका कि वो बहुत बड़े ऐसे है। तो मैंने उनको पहले ही समझा दिया, पहले मैंने मेरी वाइफ को कॉल करके पूछा कि भाई क्या ये जो बंदे के हाथ में तू ये जो कर रही है काम कर रही है थोड़ा संभल के करना। तो वो पूछ रही ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि उसका उसकी आदत कैसी है, बट वो नहीं मानी क्योंकि हमारे बीच में झगड़ा चल रहा था। तो अगर वाइफ और हस्बैंड के बीच में झगड़ा चलता है कोई भी चीज़ों का तो वो कैसे एक्सेप्ट करती है हर चीज़ों को, नहीं करती है। तो मैंने मनोज पटेल सर को कॉल किया, पर्सनल नंबर से कॉल किया और उनको बताया कि भाई मेरा ये मसला चल रहा है तो प्लीज़ आप ज़रा थोड़ा न्यूट्रल रहना क्योंकि अभी मेरा चल रहा है मसला। तो उन्होंने मुझे पहले बार तो सबसे पहले एक बात बोला कि अगर कुछ भी आगे अच्छा या बुरा कुछ ऐसा होता है मैं उसकी हेल्प तो करूँगा, बट अगर आपकी वाइफ के साथ मेरा कुछ गलत इंटेंशन अगर आपको मालूम पड़ता है तो आप मुझे चमाट मारना, ये बात उन्होंने बोला है मुझे। ठीक है तो बोला ठीक है सर आप इतने हम्बल पर्सन बन रहे हो तो ठीक है, मैं फ़ोन कट कर दिया। बट 3-4 दिन के बाद मैंने देखा कि मेरी वाइफ उसके साथ में स्टोरी डाल रही है, उसके जिम में स्टोरी डाल रही है। तो मैंने फिर से कॉल किया उसको, मैंने भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो और आपने बोले भी थे कि अगर आपकी वाइफ नहीं नहीं वो पॉइंट नहीं है, सुनिए आप मुझे एक बात बताइए, इतना टाइम नहीं है इनके पास। आपका नहीं ना बाबू समझा करो, कट जाता है शॉर्ट, मोदी जी बोलते हैं कट जाता है, समझो पॉइंट बताओ कि तुमने उनके खिलाफ एनसी की, वो जो हमको बता रहे थे ना कट्टू में, वो कट्टू में बताया करो। मैं मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा सीन चल रहा है तो मैं इनडायरेक्टली घर चले गया उनके। वो वीडियो दिखाइए आप उनके घर गए थे मनोज पाटिल के, वो फॉरवर्ड करिए सबको। हाँ, वो मैंने भी देखी है वो वीडियो देखा। सर मुझे भी जॉब दे दो आप, सही कार्ड देता हूँ। हाँ सर दिखाइए वीडियो मैंने डाला था अभी, मेरा IGTV कल एक डिलीट। नहीं नहीं आप इधर दिखाओ, पास जाना है भैया, खाने का टाइम हो गया सबका। फेवरेट में रख लेनी थी वो, फेवरेट में रखना चाहिए ना तुमको। मैंने तो फेवरेट में तो वो इसके पास है ना भाई, हम लोग को फॉरवर्ड किया। ये देखिए मनोज पाटिल के घर गए थे आपकी भी उनके घर पे, तो क्या हुआ घर पे हुआ और उनकी इस तरह दिखाइए वीडियो, आवाज भी कर लो। मेरी वाइफ बोली चमाट पड़ेगा तो सही हो जाएगा, मतलब जो मेरे से इतने अच्छे से। और वो पुलिस स्टेशन वाला भी दिखाइए, कट्टू में आया करो यार। हाँ अरे सीख जाओगे कोई बात नहीं, दुनिया है, हम भी ऐसे ही धक्के खा के सीखे हैं, पहले हम भी ऐसे ही थे स्टाइल के टाइम पे, अब प्रो हो गए।
सबसे अच्छा तरीका होता है कि सच बोलो तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ गले फाड़ के। मैं ये पुलिस स्टेशन में सर खड़े हैं आपके, मनोज सर, क्या आपने कंप्लेन की? मैंने की है। अच्छा दिख रहा है ना, तो आपको क्या शिकायत है उनसे? अरे बोलो भैया आपका मैं पैसा। मैं शिकायत करना चाहता हूँ कि जो ये करते हैं, जो हम्बल पर्सन बनते हैं, वो ऐसे है नहीं। और बहुत सारी चीज़ें गोवा में भी जाके मिल रहे हैं और क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें अनाप शनाप मुझे आया था। और ये सब चीज़ें होने से पहले मैं भाई से मिला था एथलीट बनने के लिए, तो मुझे डिवाइन का एथलीट बनाया थे भाई ने। उसके बाद से बहुत ज़्यादा ही आने लगा, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि डिवाइन का एथलीट बन के बिक चुका है और जानबूझ के ये स्टोरी बता रहा है। तो कोई भी अपनी वाइफ के बारे में बुरा कभी सोचेगा या ऐसा कभी आएगा खुल के? मैं एक डेढ़ साल से जो भी है ना जो सर्वाइव कर रहा था, बट मैं किसी को बता रहा नहीं था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। अरे भैया सुनो, तुम्हारा नाम तो लिखा ही नहीं है लेटर पे। एक्चुअली क्या पता है, बीवी तुम्हारी घुमा रहे हैं, नाम मेरा लेटर पे लिख के जा रहे हैं, मसला हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं, कहने का पॉइंट सिर्फ ये है कि इनसे इसलिए मिलाया है कि वो इंसान जो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई लेना देना उनका नहीं है, उनके और भी अलग अलग सेक्शन में ड्रामे चल रहे हैं, किसी और का फ्रस्ट्रेशन है जैसा कि आपको मैंने बताया, उसका सारा चीज़ निकाल के मेरे ऊपर डाल दिया गया है। अब आप लोग खुद इंसाफ कर लीजिए और जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा न्यूज़ चलाइए, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ मैं दे चुका हूँ। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा।